तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे HPCL की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 2023 के अंदर पास आउट होने वाला है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ताकि आप में से किसी का टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे अगर आपने IT कर रखा है किसी भी ट्रेड के अंदर, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है या फिर MEMTech कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, या फिर 2023 के अंदर करने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ट्रेड एलिजिबल है, ऑल ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बम्पर भर्ती देखने को मिलेगा, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो आपकी 1448 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बेसिकली इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, साथ ही साथ आपका CTC क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और कैसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे, यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टारगेट आपका रहेगा 700 प्लस, आपको लाइक करवा देने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech की है, कौन से ट्रेड के अंदर IT की है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और आपकी ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी, और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। यहां पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, साथ ही साथ मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई लिंक तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उससे आपको पता रहेगा कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा HPCL की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी पिक्सन एनर्जी। बेसिकली जो कंपनी है, कंपनी काम करती है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, कंपनी काम करती है। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इनके क्लाइंट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे PSUs के साथ काम किया है, इंडियन ऑयल के साथ काम किया है, इंडियन रेलवे के साथ काम किया है, और भी बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। इन्होंने गेल के साथ काम किया, और जो रिसेंटली इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है HPCL के साथ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इनका रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है वो पोस्ट आउट की गई यहाँ पे डायरेक्टली, आप देख सकते हैं लिंक्डइन की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको लिंक्डइन पे कैसे आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट करना है उसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है 2 दिन पहले की वैकेंसी है, डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर फील्ड के अंदर एक कंपनी वर्क करती है, HR ने यहाँ पे पोस्ट की है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने डायरेक्टली अप्लाई लिंक को प्रोवाइड करवा दिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर डिपार्टमेंट जॉब के रहेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन का रहेगा, क्वालिटी का रहेगा, मेंटेनेंस का रहेगा, PPC का रहेगा, स्टोर का रहेगा, लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं।
डेजिग्नेशन की बात करें या फिर आप बोल सकते हैं इसको पोजीशन कौन कौन से रहेगी, इसके अंदर आपका डीटी का रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, टेक्नीशियन का, इंजीनियर का, शिफ्ट इंचार्ज का, टीम लीड का और असिस्टेंट मैनेजर तक का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आईटीआई डिप्लोमा और बीबीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड करवा रखा है, आप यहाँ पे डायरेक्टली मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं अपने रिज्यूम को कवर लेटर के साथ, कवर लेटर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने अपना गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म है इसको आपको फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखा है फुल नेम लिखना है अपना, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी एप्लीकेंट का नाम है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि एजुकेशन डिटेल क्या है, तो एजुकेशन डिटेल में अगर आपने MEMTECH कर रखा है, BBTECH कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, IT कर रखा है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, BSc कर रखा है, तो यहाँ पे अदर के अंदर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने IT किया तो IT वाले में यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जो भी कर रखा है उसको आप यहाँ पे कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे पूछा गया कि ईयर ऑफ पास आउट ईयर कौन सा है, तो अगर आप 2023 में पास आउट हैं, 20 में पास आउट हैं, 21, 22 जो भी आपका पास आउट ईयर है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पे कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने IT कर रखा है तो आप टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने IT किया तो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप DET की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, अगर आपने BBTECH किया तो आप यहाँ पे GET की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा या फिर BBTECH किया और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर तक की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल में लिख देना है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर टेक्नीशियन या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर जूनियर इंजीनियर, आप जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि डिपार्टमेंट अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी मेल आईडी आ जाएगी, उस मेल आईडी को यहाँ पे मेंशन कर देना है, बार बार कहता हूँ उसी मेल आईडी को डालिएगा जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं, उस मेल आईडी को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। आपका होम टाउन क्या है उसको डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर क्या है उसको डाल सकते हैं, व्हाट्सअप के नंबर क्या है उसको डाल सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या उसको डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे कि अपलोड योर CV, तो आप अपने CV को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप अगर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो कौन सा यहाँ पे चूज करेंगे, तो यहाँ पे एक तो 6 तारीख को, एक 5 तारीख को, दोनों में से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप फ्रेशर की एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर वाले पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको 0.00 यहाँ पे डाल देना है, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे प्रीवियस करंट एम्प्लॉयर कंपनी नेम पूछा है तो यहाँ पे 0.00 डाल सकते हैं, या फिर फ्रेशर डाल सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो अगर आप डिपार्टमेंट में जो भी आपकी ब्रांच है उस डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लाइक आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल है तो सिविल डिपार्टमेंट, जो भी आप डालना चाहें। करंट डेजिग्नेशन पूछा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे ट्रेनी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे फ्रेशर भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पे कि करंट सैलरी आपका कितना है पर मंथ के अंदर, तो अगर आप फ्रेशर है तो 0.00 डाल सकते हैं, वही अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना सैलरी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाइक अगर आपने IT किया है तो आप यहाँ पे लगभग डालिएगा 25,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक डाल सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 29,000 तक डाल सकते हैं। अगर आपने BBTECH कर रखा है तो 30,000 से लेकर 31,000 रुपये तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नोटिस पीरियड यहाँ पे आप डाल सकते हैं 15 दिन मैक्सिमम आप डालिएगा, 15 दिन से कम का ही डालिएगा। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। पहला प्रोसेस आपका ये रहा। दूसरा प्रोसेस में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे प्रोसेस में इन्होंने अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने CV को अपलोड करना है, मेल करना है इनको डायरेक्टली कवर लेटर के साथ। अब कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, कवर लेटर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा।
फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीबीटेक किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना। और बीबीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो बीबीटेक को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीबीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली हम। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मेल कैसे करना है उस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जो कि आपका जीमेल का ऐप है आपके मोबाइल के अंदर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहां पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली कंपोज वाले मेल पे कर देना है क्लिक। तो कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपकी खुद की मेल आईडी आ जाएगी जिससे आप लॉग इन हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वो मेल आईडी डालनी है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइप करने में मिस्टेक करते हैं और उनका मेल नहीं जाता। तो आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉपी कर लेना है मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर है, 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर है, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे, आपने अगर आईटीआई कर रखा है या फिर करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो आपको यहाँ पे डालना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन। पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अप्लाई फॉर DET, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, क्योंकि जेई की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है, तो यहाँ पे वो डालेंगे अप्लाई फॉर GET, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग डाल सकते हैं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे डाल सकते हैं आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऐसे पुट कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आता है कंपोज ईमेल का ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पे, जिसको आपने कॉपी कर रखा था, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने नेम और मोबाइल नंबर की जगह आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है इसको हटाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। देन फिर आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ अपने सीवी को अटैच करना है या फिर अपने रिज्यूम को अटैच करना है, तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैच फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने सीवी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको देखने को मिलेगा
कि आपका जो सीवी रहेगा इसके नीचे आपको अपना सीवी देखने को मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेंड का, इस पर क्लिक करके आप अपने जो आपका मेल है वहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस मेल आईडी को ध्यानपूर्वक टाइप कर लेना या फिर आप कॉपी कर लेना, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।